फ्रेंड्स, इस साउंड टेस्ट का जो रिजल्ट है वो काफी सरप्राइजिंग है। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा। साउंड टेस्ट नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं कि जब एम्पलीफायर और स्पीकर बॉक्स की मैचिंग होती है तो कैसी साउंड क्वालिटी निकलती है, और जब एम्पलीफायर और स्पीकर बॉक्स की मैचिंग नहीं होती है तो कैसी साउंड क्वालिटी निकलती है। एम्पलीफायर तो एक ही रहता है हमारा, लेकिन साउंड क्वालिटी में कितना डिफरेंस आएगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है ये है 50 वाट पर चैनल का, ये जो स्पीकर बॉक्स है ये लगभग 60 वाट RMS पावर का है। तो इन दोनों की मैचिंग जो है परफेक्ट है, इस पे बेस्ट साउंड क्वालिटी निकाल के देता है। लेकिन ये जो स्पीकर बॉक्स है ये 100 वाट RMS पावर का है। तो जब 50 वाट के एम्पलीफायर पे मैं 100 वाट का लोड दे दूंगा तो कैसी साउंड क्वालिटी निकलेगी, क्या होगा, क्या इम्पैक्ट आने वाला है, यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में। आने वाले वीडियोज में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि जब एम्पलीफायर ज़्यादा वाट का होता है और स्पीकर बॉक्स कम वाटेज का होता है तब क्या होता है। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस साउंड टेस्ट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा। साउंड टेस्ट के दौरान मुझे ऐसा लगा कि ये जो छोटे साइज का स्पीकर बॉक्स है ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की साउंड निकाल रहा था, जबकि बड़े साइज का स्पीकर बॉक्स साउंड क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्पीकर बॉक्स भी बहुत अच्छा है। रीज़न क्या है कि ये जो एम्पलीफायर है ये इस स्पीकर बॉक्स से मैचिंग का था, इससे मैच कर रहा था, इसकी वाटेज मैच कर रही थी, इसी वजह से ये छोटे साइज का स्पीकर बॉक्स ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की साउंड दे रहा था। जबकि जो बड़े साइज का स्पीकर बॉक्स है वो बहुत ही डल और बेकार आवाज़ निकाल के दे रहा था, क्योंकि एम्पलीफायर कमज़ोर है और स्पीकर बॉक्स ज़्यादा पावर का है। यही मैं बताना चाह रहा था कि मैचिंग होना ज़रूरी है। अब इस साउंड टेस्ट से आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर होगी कि कम वाटेज के एम्पलीफायर पे हम जब ज़्यादा वाटेज का स्पीकर बॉक्स देते हैं तो हम लोगों को जो स्पीकर बॉक्स की बेस्ट साउंड क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी कभी भी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यदि एम्पलीफायर कम वाटेज का है और स्पीकर बॉक्स ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा वाटेज का है, तो हम लोग उसको चला तो सकते हैं, वो चल तो जाएगा, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे एम्पलीफायर पे लोड आएगा, एम्पलीफायर गर्म हो जाएगा
और दूसरा लॉस ये है कि हम लोग बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अपनी अच्छी क्वालिटी के स्पीकर बॉक्स को, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की साउंड नहीं ले पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। तो रिजल्ट हमारा ऐसा रहने वाला है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। जबकि यदि मैचिंग प्रॉपर है तो हमारा कम वाटेज का स्पीकर बॉक्स भी हम लोगों को बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी निकाल के दे सकता है। तो नेक्स्ट साउंड टेस्ट में मैं आप लोगों को इससे अपोजिट करके दिखाने वाला हूँ। अपोजिट क्या होगा कि वो जो एम्पलीफायर आप देख रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल है और ये स्पीकर बॉक्स हमारा कम पावर का है। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि जब एम्पलीफायर ज़्यादा पावर का होता है और स्पीकर बॉक्स कम वाटेज का होता है तो क्या रिजल्ट रहता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।